यूपी शाहजहांपुर दिनांक 7/10/2022 को मोदी राठौर युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन राठौर, मोदी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पप्पू राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र राठौर, शाहजहांपुर मोदी राठौर युवा सेना के जिलाध्यक्ष श्री रतन पाल राठौर, जिला के पदाधिकारी जिला प्रभारी संदीप राठौर, जिला महामंत्री मुकेश राठौर, जिला महामंत्री ओमकार राठौर, जिला महामंत्री अजय राठौर, मोहम्मदी तहसील अध्यक्ष राजीव राठौर, कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष राहुल राठौर शहीद पूरी शाहजहांपुर की टीम के साथ साथ हरदोई जिले की टीम, नगर अध्यक्ष हरदोई सदर विशाल राठौर, नीलेश राठौर, जिला मंत्री अनुराग राठौर, नगर अध्यक्ष शाहबाद अमन राठौर, उनकी नगर की टीम के साथ साथ सैकड़ों मोदी राठौर युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने सहरा मोड़ दक्षिण थाने के अंतर्गत ग्राम कहेलिया में महिला लक्ष्मी की हुई हत्या के विरोध में शाहजहांपुर एसपी को ज्ञापन दिया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही दो अपराधियों के नाम मुकदमे से निकाल दिए गए, उन्हें पुनः वापस जोड़ने के लिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उद्घोषमय से ब्यूरो रिपोर्ट। गांव है, पीड़ित है, लक्ष्मी उनकी जो है, मार दबंगों ने बहुत मारा उनको, प्रीति इनकी लड़की है, आगे लाइए, इनको भी मारा भी मारा और इनकी माताजी को भी मारा था, तो माताजी का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मतलब निधन हो गया, मर गई है, खत्म हो गए। तो इसलिए जो है और उसमें पुलिस वगैरह अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसमें 302 का मामला लिखना चाहिए था, मुकदमा 302 का होना चाहिए था और 304 का मुकदमा उसमें पुलिस के द्वारा लिखा गया है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मुकदमे में 5 नाम थे, 2 नाम निकाल दिए गए हैं पुलिस के द्वारा, बाकी 3 नाम बचे हैं मुकदमे में। तो हमारी मोदी राठौर युवा सेना की मांग यही है कि जो 5 अपराधी हैं उसमें मुकदमे में, 5 अपराधियों के नाम होने चाहिए, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजा जाए। ये घटना तीन तारीख की है। क्या हुआ जरा आप बता सकती हैं? अच्छा, कोई नहीं थी। ये लोग जो है घर जो है पलायन कर चुके हैं घर से, वो लोग दबंग टाइप के हैं, तो वो लोग कह चुके हैं कि घर से आप घर छोड़े हुए हैं। 16 तारीख से ही है। अच्छा, तो आपको घुसने नहीं दे रहे गाँव में? 23 तारीख से लगभग निकल गए थे, बाल बच्चे थे। उनका कहना है, उनका कहना यह है कि एक को मारा है तो और कतल लग जाएंगे, कोई परवाह नहीं, के पिता और भाई को भी मार देंगे। हाँ। इसलिए इनको मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा है। कहीं ना कहीं देखा सत्ता पक्ष का कोई सपोर्ट तो नहीं उनके पास, कोई उनके पास नेतागिरी का सहारा तो नहीं है? नेतागिरी तो हो ही रही है, तभी तो आप बताइए, खुल के बताइए, खुल के बताइए। किसान मित्र है और उनके सब है। चलिए,